हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और हम आज इसी 12 एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछला जो हमने क्वेश्चन लिया था 13 क्वेश्चन तक जो है वो हमने पूरा किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से चलते हैं। क्वेश्चन 14 में सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर, 10% रेट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है, खाली प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 14 क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम बनाएंगे, 100 × SI / R × T। अब कहाँ पे वैल्यू रखी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 जा रहा है उसमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, टाइम के लिए 3 ईयर आ जाएगा, 10% रेट की 10 आ जाएगा और इज 829.50 यहाँ पे ऐसा किया जाएगा। इसके बाद आपको कार्डिट करनी है और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। सिमिलरली आपका जो अगला क्वेश्चन वो 15 जा रहा है, उसमें भी आपको 15 में निकालना है फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। 15 का काम होगा 100 × SI / R × T। तो 15 क्वेश्चन में आपका इफ सम विल रिकॉर्ड एट 7.5% पी है, यानी आर का मान आपको दिया गया है 7.5% 15/2 आएगा, 15 यहाँ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और अमाउंट 2, यानी अमाउंट दिया गया है, ऐसा ही नहीं दिया गया है, 3 ईयर का टाइम दिया गया है। इसमें दिक्कत ये आएगी कि हमें ऐसा ही नहीं बताया, केवल अमाउंट बताया। तो अमाउंट बता तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको सीधे ना लगाकर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, और मैं क्वेश्चन पूरा आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, रेट आर है हमारा 7.5 यानी कि 15/2%, रेट आर टाइम दिया है 3 ईयर्स का, टाइम पीरियड 3 ईयर्स का, प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल को पहले एक्स मान लेंगे, वो एक्स मान लेंगे और हम क्या करेंगे, ऐसा ही को निकालेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो B का माना जाएगा X, R का माना जाएगा 15/2 और टाइम हमारा है 3 ईयर का 200, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, 5 से काट दीजिएगा तो 5 × 15 = 3×9 आएगा और 20 × 40 कटने वाली 9×40 है। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला अमाउंट बराबर P+SI। अमाउंट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 3920 है एक्स और SI है 9×40। तो ये 40 की मल्टीप्लाई आ रही है 32, यही आपको निकालना था कि कितना हमने प्रिंसिपल का उधार लिया था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये पर उधार दिया था। इस तरह से क्वेश्चन होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको प्रिंसिपल जहाँ पर पूछा जाएगा उसको एक्स मार्क के करने होंगे, उनको आप ट्राई कर लीजिएगा। और ठीक है, और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन 12 में आपको पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को, ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर में, और ये बाकी जो MCQ है वो भी इसी तरह फॉर्मूले बेस है, इनको भी आपको अपने आप ही करना है 12B में। तो ये सब आप अपने आप कंप्लीट करके चैप्टर 12 जो है अब आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।